अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी एक्सरसाइज 3/4 है और इसका पार्ट नंबर 2 है। पहले हमने इसके 4 जुज किए थे सवाल नंबर 1 के, अब इसके बाकी जो रहते हैं 4 वो आज करेंगे। तो पहला सवाल है, तो इसका 5वां जुज यूज लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो हमने क्या करना है, इसको फ़र्ज़ कर लेना है एक्स के बराबर। तो एक्स इज़ इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 1/2 ज़रबे 0/6 9/7 5 बटा, ठीक है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, लॉग ले लेना है दोनों साइडों पर। इसके बाद अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि लॉग का रूल अप्लाई कर देना है, ऊपर वाले आपस में जम हो जाएंगे। जहाँ पर ज़रा पे वहाँ पर जम आ जाएगी, तो ये बन जाएगा लॉग 1/2 जमा लॉग 0/6 9। अब ये बटा है तो बटा माइनस में तब्दील हो जाएगा, तो 0/0075 आ जाएगा। इसके बाद ये जमा है लेकिन ये बटे के नीचे, इसलिए ये भी माइनस में तब्दील हो जाएगा। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो एक है हमारे पास, यानी कि हवाला के बाद वो कितना बनता है, 0 बनता है इसका। अब इसका मेंटिसा निकालेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो वो हमारे पास आ जाएगा 0/0899। इसी तरह हमने इसका हवाला का मकाम लेना है, तो ये बनता है 1 दर्जा यानी कि 6 के बाद, तो ये -1 इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा। और अब हम कैलकुलेटर की मदद से इसका लॉग निकालेंगे, मेंटिसा इसका मालूम करेंगे, तो वो बन जाएगा 8/4/3/5। अब देखें, ये हवाला का मकाम 7 के बाद बनता है, तो ये लेफ्ट से राइट की तरफ जब हम पॉइंट को ले जाते हैं तो वो मनफी में आ जाता है। तो हमने कितने दर्जे ले गए, 1, 2, 3 दर्जे, तो ये -3 बन गए। उसके बाद हमने क्या किया, पॉइंट लगा दिया। अब इसका मेंटिसा मालूम करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 0/8/7/5। इसी तरह इसका करैक्टरिस्टिक मालूम करना है, तो हमारे पास 8 से लेकर 1/2 तक, यानी कि यहाँ पर हमने इसका हवाला का मकाम लेना है, तो ये कितने दर्जे बनता है, यहाँ पर इशारिया मौजूद है, तो 3 दर्जे बनता है। तो जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाते हैं तो इसका करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव होता है। अब इसका मेंटिसा निकालें, तो इसका मेंटिसा आता है 1/0/6/5। अब इसका जो करैक्टरिस्टिक है इसको हमने अलग-अलग लिख लेना है,
माइनस एक आ जाएगा, जबकि इसका मल्टीसा हुआ अलहदा लिख लेंगे तो वह आ जाएगा 0.8435। इसी तरह हमने इसमें माइनस कामन ले लिया तो माइनस तीन अलहदा कर दिया और 0.8751 इसको अलहदा कर दिया। माइनस इसका भी आपने करेक्टरिस्टिक अलहदा कर देना और मेंटीसा इसका अलहदा कर देना, ठीक है। तो ये तीन प्लस 0.1065 आ जाएगा। अब देखें जो करेक्टरिस्टिक हैं उनको हमने अलहदा ऐड कर लेना है, जबकि जो मेंटीसे वाली रकम है उनको हमने अलहदा इकट्ठा कर लेना। तो 0.9334 आ जाएगा, फिर माइनस एक प्लस इसमें ये जो माइनस माइनस जमा के प्लस हो जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद हमने 0.8755 लिख लिया, ये माइनस जब इससे ज़रब खाएगी तो माइनस 3 हो गया, फिर माइनस 0.165 लिख लिया। अब ये तीन इसके साथ कट गया, ये माइनस एक शुरू में आ जाएगा और इसमें हमने क्या करना है 0.9334 ऐड कर लेना, ये मनफी और ये मनफी दोनों इकट्ठे हो जाएंगे। तो ये बन जाएगा 0.9816। अब इसमें से इसको तफरीक कर दें, 0.9334 में से हमने 0.9816 तफरीक कर दिया तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, लेकिन इससे हम हमारा मसला हल नहीं होता। तो हमने क्या करना, अपनी तरफ से एक को जमा भी कर देना और माइनस भी कर देना। माइनस एट ऐड भी कर दे और तफरीक भी कर दे, तो ये जमा 0.9334 माइनस 0.9816 आ जाएगा। ये माइनस माइनस इकट्ठे हो गए तो माइनस दो बन गया। अब इस एक को हमने इसके साथ ऐड कर देना है तो ये बन जाएगा 1.9334 माइनस 0.9816 माइनस दो। इसमें से हमने क्या करना है, ये माइनस 0.9816 इसको तफरीक कर देना है तो यू इस तरह इसकी रकम आ जाएगी 0.9518। माइनस दो ये करैक्टरिस्टिक आ गया, 0.9518 इसका मेंटिस आ गया। अब ये जो लॉग है ये एंटी लॉग में आ जाएगा जब हम इसको दूसरी साइड पर ले जाएंगे। तो माइनस दो खास करैक्टरिस्टिक 0.9518 इसका मेंटिस आ गया। अब इसका कैलकुलेटर की मदद से हमने एंटी लॉग मालूम करना है तो वो बन जाएगा शिफ्ट दबा के लॉग प्रेस करें, उसके बाद हमने 9518 प्रेस करना है तो ये बराबर आ जाएगा 8949। अब हमने इसका पॉइंट लगाना है तो वो किस तरह लगाएंगे, ये माइनस दो है तो इस माइनस दो में हमने एक ऐड करना है तो इसका मनफी एक करैक्टरिस्टिक आ गया
अब इस मनफी एक को यानी कि हमने 8 के बाद एक सिफर लगानी है और उसके बाद हमने पॉइंट लगाना है। तो इसका जवाब आ जाएगा 0.0895। अब इसका दूसरा जो छठा जो जर्व करते हैं इसको फर्ज कर लेते हैं एक्स के बराबर और अंडर रूट 3 आ जाएगा। अब इसकी जजर ख़त्म करके इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले आना है, तो ये बन जाएगा 0.7214 ज़रबे 20.37 बटा 60.1 होल की पावर 1/3 आ जाएगा। अब इसके दोनों साइड पर हमने लॉग ले लेना है, तो लॉग एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा लॉग 0.7214 ज़रबे 20.34 बटा 60.8 होल की पावर 1/3। अब इस पर लॉग का रूल अप्लाई करेंगे तो ये 1/3 शुरू में आ जाएगा, ये वाला 1/3 जो है पावर वाला ये शुरू में आ गया, तो ये बन जाएगा 1/3 इंटू लॉग, ऊपर वाले आपस में जमा हो जाएंगे ये बटे वाला जो है ये मनफी में आ जाएगा, मनफी लॉग 60.8 आ जाएगा। एक बटा तीन इंटू, अब इसकी कीमत मालूम करें, इसका हवाले का मकाम बनता है 7 के बाद, तो एक दर्जा है तो लेफ्ट से राइट की तरफ एक दर्जा है, तो इसका जो करैक्टरिस्टिक है वो मनफी एक आ जाएगा। अब इसका मैंटिसा मालूम करें, 7214 लाग 7214 तो ये बराबर आ जाएगा 8582 के। अब 20.37 का ये इशारे का हवाला का मकाम बनता है 2 के बाद, तो एक दर्जा इसका बनता है, तो ये करैक्टरिस्टिक का पॉजिटिव एक आ गया। अब मेंटिसा मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3090। इसी तरह 60.8 का भी लॉगरिथम ले लेंगे, तो ये इसका करैक्टरिस्टिक आ जाएगा पॉजिटिव 1.0। मेंटिसा जब इसका मालूम करेंगे कैलकुलेटर से तो वो आ जाएगा हमारे पास 7893। एक बटा तीन ये पॉजिटिव, ये माइनस जो करैक्टरिस्टिक है 1, इसको अलहदा कर लें और मेंटिसा इसका अलहदा कर लें। इसी तरह इसका भी ये अलहदा कर दें, पॉजिटिव 1 आ गया प्लस 0.3090। और तीसरी रकम इसका भी आपने करैक्टरिस्टिक अलहदा लिख लेना, अगर इसका करैक्टरिस्टिक अलहदा ना भी लिखें तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने इसको वैसे लिख देना। अब देखें ये इससे कट गया तो हमारे पास आ जाएगा 1/3 इंटू, ये मेंटिसा मेंटिसा में ऐड हो गया तो ये बन जाएगा 1.1672।
-1.7839। अब देखें ये जो मनफी वाली रकम है ये बड़ी है, जबकि जो मस्बत रकम है वो छोटी है। हमने क्या करना है, अपनी तरफ से तीन दोनों साइडों पर यानी कि इसमें जमा भी कर देंगे और तफरीक भी कर देंगे। -3 ऐड भी कर दिया और सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। -3 + 3 + 1.672 -1.7839 तो बराबर आ गया 1/3। अब इस -3 को आपने अलहदा लिख लेना है और इस 3 को इसके साथ जमा किया तो ये बन गया हमारे पास 4.1672 -1.7839। अगले स्टेप में आपने क्या क्या करना है कि इस 4.1762 में से इस 1.7839 को तफरीक कर दें। तो -3 + 2.3833 आ जाएगा। अब इस 3 को हमने क्या करना है, दोनों पर तकसीम कर देना है। तो ये -1 + 0.7944 तो ये इसका करैक्टरिस्टिक आ गया -1, जबकि 0.7994 मेंटीस आ जाएगा। अब इस लॉग को दूसरी साइड पर ले जाएं तो ये एंटी लॉग में आ जाएगा, एंटी लॉग -1.7994। अब हमने इसका एंटी लॉग लेना है तो कैलकुलेटर से इसका निकालें, शिफ्ट लॉग प्रेस करके उसके बाद 7944 लिखें तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 6-2-2-8-7। अब ये जो 8-7-7 तो ये 8 जो है ये 9 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब इसका पॉइंट लगाना है तो आपने क्या करना है, ये -1 है इसमें जमा 1 कर दें तो 0 बनता है, तो 1.6 हमारा आ जाएगा 6 से पहले, तो 0.669 इसका जवाब आ गया। इसको फ़र्ज कर लें एक्स के बराबर बराबर इसका लॉग ले लें दोनों साइडों पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा लॉग 83/92³/1/3/127/246 ⅕। आपने साथ ही इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी चेंज कर लेना है, ऊपर वाला आपस में जम हो जाएगा, यहाँ पर इसका पावर का रूल लग जाएगा तो 1/3 आ जाएगा, लॉग इनटू 92 आ जाएगा बटा ये मनफी में तब्दील हो गया तो ये लॉग 127 क्योंकि ये जमा है लेकिन बटे में है तो इस वजह से ये भी मनफी हो गई, तो 1/5 शुरू में आ गया, लॉग 246।
83 का हमने क्या करना है, लोगार्थम मालूम करना है। कैलकुलेटर से इसका लोगार्थम मालूम कर लें तो ये 1011 9 1 1 1 9 आ जाएगा। इसका 92 का भी लोगार्थम मालूम कर लें वो भी हमारे पास आ जाएगा 1.9638। अब मैंने साहब ने 127 का लोगार्थम मालूम करना है। वो भी हमारे पास आ जाएगा 2.1038। -1/5 × 246 का जब लोगार्थम मालूम करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 2.3909। तीन पर तकसीम करें तो ये हमारे पास बनता है 0.6546 -2.13008। -5 को तकसीम कर दें तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.4782। अगले स्टेप में हमने क्या करना है कि इन दोनों को, ये पॉजिटिव वाली हैं तो इनको इकट्ठा कर लें, इनको इनकी जमा कर लें तो ये बन गया 2.5737। ये मनफी और ये मनफी, इनको आपस में इकट्ठा करें तो ये मनफी बन जाएगा 2., इनको इकट्ठा करें तो ये बनता है मेरे पास 5820। अब देखें ये मनफी वाली जो वैल्यू है ये बड़ी है जबकि पॉजिटिव वैल्यू जो है वो छोटी है। हमने क्या करना है कि पॉजिटिव वन और नेगेटिव वन इसमें ऐड कर लेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2.573 - 2.58। इस मनफी एक को आपने वैसे ही लिख लेना है जबकि इस पॉजिटिव वन को आपने इसमें ऐड कर देना है पहली रकम में। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3.5737 -2.5820। अब इस को तफरीक करें दूसरी रकम में तो ये हमारे पास आ जाएगा पॉजिटिव 0.91। ये -1 हमारा हमारा करेक्टरिस्टिक आ जाएगा जबकि मेंटिसा हमारे पास आ जाएगा 9917। इस लोगार्थम को आपने एंटी लोगार्थम में चेंज कर लेना तो ये एंटी लॉग -1.9917। आप इसका कैलकुलेटर से इस एंटी लॉग मालूम करेंगे तो आपने क्या करना है शिफ्ट प्रेस करके लॉग दबाना है उसके बाद आपने 9917 प्रेस कर देना। तो इसका हमारे पास जवाब आ जाएगा 9811। अब इसका हमने पॉइंट लगाना है तो ये -1 है इसमें जमा 1 करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा तो 9 से पहले इसका इशारिया आ जाएगा तो 0.9811 इसका आंसर आ गया। आगे आठवां जो आपने इसको x के बराबर फर्ज कर लेना है दोनों साइड पर
लेफ्ट साइड और राइट साइड पर लोगार्थम ले लिए। इस 0.005 को आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। इसके बाद 388 होल की पावर 4 आ जाएगा, ये बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 शुरू में आ गया लॉग 438। अब ये पॉजिटिव हो जाएगा और 1/2 शुरू में आ गया तो लॉग 0.56 बटा मनफी में तब्दील हो जाएगा। लेकिन इससे पहले आपने पावर रूल इस्तेमाल करना है, तो 4 शुरू में आ गया लॉग 388। तीन इंटू लॉग 438 की वैल्यू मालूम करेंगे कैलकुलेटर की मदद से, तो ये हमारे पास आ जाएगी 3.6415। इसी तरह 1/2 इंटू लॉग 0.056 की वैल्यू निकालेंगे, तो इसका जो करेक्टरिस्टिक है वो पॉइंट के बाद 5 के बाद आएगा, तो कितने पॉइंट बनते हैं 1, 2 बनता है, तो -2 इसका करेक्टरिस्टिक आ गया। आपने लॉग 56 प्रेस करके इसका लॉगरिथम ले लेना, जो हमारे पास सात चार आठ दो आ जाएगा। इसके बाद -4 इंटू इसी तरह लॉगरिथम आपने लेना है कैलकुलेटर की मदद से, तो ये बन जाएगा हमारे पास। अगर कैलकुलेटर अवेल ना हो तो आप लॉगरिथम टेबल भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास आ गया 2.588 इसका। अब इस 3 को अंदर ज़रब दें तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरह बनती है, सात इशारिया 9245। क्योंकि ये 2 से तकसीम होगा तो ये बन जाएगा मेरे पास 1.3741। अब इस -4 को अंदर ज़रब दी तो हमारे पास आ जाएगा 10.35552। इसके बाद आपने क्या करना है, इस माइनस को 1 को अलहदा कर दें और इसका मेंटिस है जो वो अलहदा कर दें 3741 -10.355। ये पॉजिटिव वैल्यू इसमें ऐड हो जाएगी तो ये बन जाएगा 8.2986। इसको और इसको इकट्ठा कर लें मनफी वाले को तो ये हमारे पास आ जाएगा 11.3552। अब ये मनफी की वैल्यू पॉजिटिव 8 से ज़्यादा बनती है, तो हमने क्या करना है कि हमें इसमें 4 जो है वो प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे ताकि इसको हम आसानी से हल कर सकें।
माइनस चार और पॉजिटिव चार इसमें ऐड करती है। ये बन जाएगा 8.298 माइनस 11.352। ये मनफी चार वैसे का वैसे लिख दें, इस चार को 8 में जमा करें तो ये बन जाता है 12.2986 मनफी 11.3552। तो माइनस चार 12 में से ये 11 तफरीक करें तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.9434। माइनस 4.9434। तो इसका जो करैक्टरिस्टिक आएगा वो माइनस 4 आ जाएगा 0.9434 इसका मेंटिस आ गया। शिफ्ट दबा के आपने लॉग प्रेस करना है, उसके बाद आपने नौ चार तीन चार का एंटी लॉग ले लेना है तो हमारे पास आ जाएगा 8778। तो इसका हमने क्या करना है, अब पॉइंट लगाना है। तो ये मनफी चार है, मनफी चार में हमने एक जमा किया तो ये मनफी तीन आ गया। तो इसका जो पॉइंट आएगा वो 8 से 3 दर्जे आगे चला जाएगा। तो 0.0 3.0 लग गए तो इशारिया यहाँ पर आ जाएगा, तो 0.008 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये तरीका आपको पसंद आएगा। तो आप लोगों से एक ही दरख्वास्त है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि जहाँ तक भी मेरा ये लेक्चर पहुँच सके उनका भी फ़ायदा हो सके और